करने की कोशिश कर रहा हूँ। थर्ड ग्रेड टीचर्स के बारे में भी हमने पॉलिसी वॉलिसी बनाई है, इसमें कुछ और संशोधन चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी भी ये चाहते हैं कि थर्ड ग्रेड के टीचर्स के ट्रांसफर हो, लेकिन उसमें क्या है कि एक तो सब लोगों को ये समझना चाहिए कि थर्ड ग्रेड का टीचर जो भी दूसरे जिले में आएगा तो जूनियर मोस्ट हो जाएगा, ये दिल्ली लोगों को पता नहीं, क्योंकि उनकी सीनियरिटी डिस्ट्रिक्ट वाइज हो जाती है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसमें एकल महिला, पति पत्नी, कैंसर, असाध्य रोग और जिनको काफी वर्ष से जिले में रह रहे हैं उनको प्रायोरिटी के आधार पर म्यूचुअल ट्रांसफर, कैटेगरी वाइज, कास्ट वाइज, जैसे ओबीसी का ओबीसी है म्यूचुअल ट्रांसफर, एससी का एससी से। बड़ी बात यह है कि अभी तो सारे ट्रांसफर पर बैन लगा हुआ है, बैन खुलेगा तो इस काम को और आगे बढ़ा सकेंगे। आप सबको रोल बुलाकर कैबिनेट योजना की वहां पर है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी जो मसाइल है उनको हल करें। शिक्षा पदों संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे प्रदेश से आए हुए शिक्षकों के समक्ष माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने स्वयं आकर हमें आश्वस्त किया है कि आगामी होटा में होने वाली आयोजित मीटिंग में जो यूजीपीजी असमान विषय से संबंधित जो पत्रावली है, जो नियम संशोधन की पत्रावली चल रही है, उसका अनुमोदन पास करवा दिया जाएगा। इसके लिए हम राष्ट्र सरकार का और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का और मेरे प्रदेश के सभी वरिष्ठ अध्यापकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं रामकिशोर दोसा, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षा पदोन्नति संघर्ष समिति रास्ता। शिक्षक पदोन्नति संघर्ष समिति द्वारा आज माननीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया गया है, जो 13 तारीख को कोटा में कैबिनेट हो रही है उसमें उनके जो नियम संशोधन की उसकी फाइल का अनुमोदन कराया जाए। माननीय शिक्षा मंत्री जी भामाशाह प्रोग्राम के बीच में यहां आए और उन्होंने आश्वस्त किया राजस्थान के शिक्षकों को कि उनकी जो मांग है जो यूजीपीजी है समान विषय की, उसमें शिथिलन के लिए 13 तारीख को वो कैबिनेट में रखेंगे और शिक्षकों को राहत प्रदान करेंगे, जिससे करीब 50,000 जो पदोन्नतियां रुकी है वो पूरी हो जाएंगी। हमने यहाँ शिक्षक, हमारा ये था कि शिक्षक संघर्ष समिति ने यहाँ शिक्षा संकुल पे करीब 15 दिन का धरना लगाया था और मंत्री महोदय ने ही वो धरना उठाया था। आज उसी संघर्ष स्थल पर शिक्षा मंत्री ने आके घोषणा की कि आपके जो कैबिनेट की फाइल है उसको अनुमोदन कर सभी शिक्षकों को राहत प्रदान की जाएगी। आज पदोन्नति संघर्ष समिति ने शिक्षा संकुल में माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में आज मीटिंग आयोजित करी, जिसमें पदोन्नति संघर्ष समिति ने मांग रखी कि अगली जो कैबिनेट में उसे सेवा नियमों में संशोधन की फाइल को रखा जाए। मंत्री जी पूरा आश्वस्त करके गए हैं कि अगली कैबिनेट में आपकी फाइल को रख दिया जाएगा, इसके लिए मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें पूरी आशा है कि मंत्री जी अपने वादे के अनुसार कैबिनेट में फाइल रखेंगे। आज पदोन्नति संघर्ष समिति के बैनर तले पूरे राजस्थान के वरिष्ठ अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री जी का भव्य स्वागत किया और उनसे आग्रह किया कि हमारी जो नियम संशोधन की फाइल है शिक्षा सेवा नियम संशोधन की, उसको परसों होने वाली कैबिनेट में रखा जाए। तो शिक्षा मंत्री जी ने हमें पूरी तरह से आश्वस्त किया कि आपकी मांग को परसों पूरा कर दिया जाएगा। हमारा पूरे राजस्थान का शिक्षक समाज शिक्षा मंत्री जी का आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण सिंह बैंसला, प्रदेश सभा अध्यक्ष, पदोन्नति संघर्ष समिति राजस्थान।